कोई भी स्टेट्स में बेच रहे हो लेट से आप एमेजॉन पे बेच रहे हो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेच रहे हो नेशनली आप कहाँ पे भी बेच रहे हो गुजरात महाराष्ट्र गोवा ऑल दीज आर कॉल्ड एज लोकल सेलिंग लोकल सेलिंग मतलब आपकी कंट्री के अंदर कहां पे भी आप सेल करोगे उसको हम कहते हैं लोकल सेलिंग वहां पर आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो आप सिर्फ परचेज कर सकते हो लिस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट एंड यू आर गुड टू गो यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल लाइसेंसेस

हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप ग्लोबल सेलिंग बहुत इजीली कर सकते हो लाइक यू डोंट रिक्वायर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स दैट इज देयर सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आर सम ऑफ द समेज टू गेट स्टार्टेड विद ग्लोबल सेलिंग्स क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो क्या चार्जेस होते हैं एंड लास्ट में मैं आपको बताऊँगा मेरा ओपिनियन क्या है किसको ग्लोबल सेलिंग करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल सेलिंग कि आप कहाँ कहाँ बेच सकते हो सो इफ़ यू नो ग्लोबल सेलिंग अमेजोन डॉट कॉम पर आप एक्चुअली अमेजॉन इज मोर देन इन ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज़ आप अमेजॉन इंडिया दुबई यू एस कैनेडा मैक्सिको यू के फ्रांस इटली जापान सारी कंट्रीज़ में बेच सकते हो और इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं लेट्स अगर आप अमेजॉन अमेज़ॉन यू एस विच इज़ अमेजोन नॉर्थ अमेरिका में रजिस्टर करते हो तो आप तीन कंट्रीज में डिरेक्टली सेल कर सकते हो मैक्सिको यू एस एंड कैनाडा विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन विद सेपरेट कंट्रीज सो एक ही बार आप रजिस्टर करोगे नॉर्थ अमेरिका मार्केट में एंड तीनों तीनों कंट्रीज में आप सेल कर सकते हो लेट्स कम टू यूरोप अगर आप अमेजोन यूरोप में रजिस्टर करते हो विच इज़ कॉल्ड पैन यूरोप तब आप सारे जगह प्रोडक्ट्स आपके फुलफिल्मेंट और डिलीवरी कर सकते हो विद वन रजिस्ट्रेशन यूरोप में आप यूके फ्रांस इटली जर्मनी चारों कंट्रीज में कर सकते हो एंड वेन इट कम्स टू जापैन दुबई ऑल दिस कंट्रीज गल्फ कंट्रीज ये सब मैं आपको सेपरेटली ईच कंट्री के लिए करना पड़ेगा बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट कहाँ पर आपको स्टार्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए द लार्जेस्ट मार्केट बाई फार विद हाइएस्ट डिमांड इज इन यू एस सबसे ज्यादा मार्केट के वॉल्यूम यू एस में है देन कम्स जर्मनी येस दैट इज राइट नॉट यूरोप जर्मनी देन कम्स जपैन एंड देन कम्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड देन कम्स इंडिया तो इनका एग्जैक्टली exactly ऐसे डिमांड uh, वाइज

सो so, अगर आप एक सेलर हो जो दुबई में स्टार्ट कर सकते हो आपका बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट बिकॉज इंडिया से दुबई का टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ शिपिंग इज ऑल्सो वन डे वन टू वन टू डेज मैक्सिमम सो आप दो दिन में इंडिया से आपके वेयर हाउस से भी फुलफिलमेंट कर सकते हो खाली आपको प्रोडक्ट रजिस्टर करना है अकाउंट रजिस्टर करना है एंड दैट इज डन अब ये बात तो हो गई कि कौन से कौन से मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है आप सेल कर सकते हो कौन से कौन से कंट्रीज में आप सेल कर सकते हो अब दूसरी जो बड़ी बात आती है डॉक्यूमेंटेशन राइट काफी लोग बहुत हो जाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे यूज करने हैं बहुत सिंपल है आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना बिकॉज ये है भी नहीं जस्ट बिकॉज इसमें वर्ड इंटरनेशनल आ गया इसका मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे सबसे पहले आपको लगेगा आपका नेम ई मेल फोन नंबर जो ये सभी के पास होता है राइट सो आपको एक सेपरेट ई चाहिए होगा एक फोन नंबर चाहिए होगा जो वर्केबल हो जिसमें ओटीपी मैसेजेस आ सके और आपको लगेगी आपकी ई मेल उसके बाद जो आपको लगेगा है एक आइडेंटिटी प्रूफ राइट वो हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट यू नो आधार कार्ड आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ फिर आपको लगता है एक बैंक अकाउंट जो होना चाहिए जनरली करंट अकाउंट अगर आप सेविंग अकाउंट में भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है यू नीड अ वर्किंग एंड एक्टिव बैंक अकाउंट जहाँ पर अमेज़ॉन आपको पैसे भेज सके नेक्स्ट वॉट यू रिक्वायर इज कॉल्ड एज आई ई सी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से मिल जाता है मैक्सिमम वन और टू डेज में आ जाता है इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज आपको क्यों रिक्वायर होगी क्योंकि अगर आप इंडिया से कहीं भी अब्रॉड में शिफ्ट करते हो कोई भी प्रोडक्ट देन यू नीड एन आई सी सर्टिफिकेट वो एक कोड जनरेट होकर देता है जब भी आप कोई भी शिपिंग करोगे यू नीड टू मैंशन द आई सी कोड इससे गवर्नमेंट को बेसिकली मालूम पड़ता है कि आपने क्या गुड्स भेजे हैं बाहर क्या वैल्यूएशन भेजे कौन सी आइटम भेजी है वगैरह वगैरह टू मेंटेन दे आर डेटा एंड अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द नेक्स्ट थिंग रिक्वायर इज कॉल्ड ए डी कोड ऑथोराइज डीलर सो बेसिकली ऑथराइज डीलर होता है आपका बैंक सो so, आप कोई भी बैंक के साथ आपको कंपल्सरी है टाई करना इन द सेंस आपको बैंक में जाना पड़ेगा और आपको एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे लेट से मैं इंडिया से यू भेज रहा हूँ तो जो भी इन्वॉइस लगता है जो भी शिपिंग बिल रखता है बेसिकली आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके शिपिंग प्रोवाइडर आपको बता देंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे बैंक में और वहां पर आपको करना पड़ेगा सबमिट सो बेसिकली वो आपको देंगे एक ऑथोराइज डीलर कोड हर बैंक का एक कोड होता है वो आपको देंगे तो जब आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करोगे तो आपको वो एडी कोड मेंशन करना कंपलसरी है और वही बैंक जिसका आपने एडी कोड दिया है वही बैंक में आपके पैसे भी आने चाहिए इससे होता है बिल स्क्वायर ऑफ मीनिंग आपने यहाँ से थाउजेंड डॉलर्स का रेमिट यू नो एक्सपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट्स और थाउजेंड डॉलर्स का रेमिटेंस वही बैंक में आया तो आपकी बिल हो गई क्लोज मतलब आपने हज़ार डॉलर एक्सपोर्ट किया और आपका हज़ार डॉलर की पेमेंट आ गई योर बिल इज क्वेड ऑफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड एज पर आर बी आई गाइडलाइंस इसके बिना आपका कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा थर्ड एंड द मेजर थिंग ओवर योर इज सब्सक्रिप्शन आप अगर आप जाओगे इंटरनेशनली uh, आपको एवरी मंथ थर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन डॉलर का सब्सक्रिप्शन चार्ज होएगा एमेजॉन पे इट्स कॉल्ड प्रोफेशनल फीस जो आपको बेसिकली आप बोल सकते हैं अगर आपको वहां पर बेचना है तो पर मंथ आपको फोर्टी डॉलर देना पड़ेगा इंडियन करेंसी में इट कम्स अराउंड टू थ्री थाउजेंड रुपीज वो आपको पर मंथ देना पड़ेगा आपकी सेल हो या ना हो बट इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वेन इट कम्स टू सेलिंग इन दू एस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ इज रिक्वायर्स कॉल क्रेडिट कार्ड आपको एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेना होगा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस कर सकता है ये बेसिकली क्यों यूज होता है बिकॉज जो भी आपकी प्रोफेशनल फीस होगी जो कटेगी वो आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट होगी एवरी सिंगल मंथ तो एक वर्केबल क्रेडिट कार्ड होना बहुत बहुत कंपल्सरी है टू गेट स्टार्ट इंटरनेशनली फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मार्केट प्लेसेज नाउ इंडिया में कोई भी प्रोफेशनल फीस नहीं है So, आप करो ना करो सेल uh, तो भी आपको कुछ चार्जेस नहीं लगते बट दैट इज ओनली विद इंडिया एंड नॉट अब्रॉड लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मिथ्स काफी लोगों को लगता है कि मुझे पहले इंडिया में स्टार्ट करना पड़ेगा फिर भी मैं ग्लोबल सेल कर सकता हूँ कि मैं डिरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ जनरली आप कोई भी कंट्री में चालू कर सकते हो विदाउट इवन सेलिंग इन इंडिया आप डिरेक्टली यू एस स्टार्ट कर सकते हो आई हैव थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड माई पीपल uh, जो डिरेक्टली यूएस में बेच रहे हो जो इंडिया में नहीं बेच रहे हैं दूसरी चीज ये कि आप आपके इंडिया के अकाउंट से ही अगर आप ऑलरेडी इंडिया में बेच रहे हो आपके इंडिया के अकाउंट से ही आप ग्लोबल सेलिंग भी कर सकते हो सो so, इंडिया में जा कर आप ग्लोबल सेलिंग कर रजिस्टर भी कर सकते हो और एक ही अकाउंट से आप दोनों व्यू देख सकते हो इंडिया में क्या हो रहा है और यूएस में क्या हो सकता है यू डोंट नीड टू सेपरेट थिंग्स सो दट इज वन ऑफ द थिंग्स टू बी केयरफुल ऑफ कि आपको इंडिया कंपल्सरी नहीं है स्टार्ट करने के लिए ग्लोबल बिजनेस नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिपिंग ये काफ़ी ट्रिकी होती है बिकॉज ये इंडिया जैसा नहीं है कि यू you नो know, आपको लोकली सेल करना है तो आपको कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी आके आपका पिकअप करेगा इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट इन दी ग्लोबल सेलिंग अगर आप लग से अमेजन यू में अपनी लिस्टिंग की है और आप समझो उसमें दो ऑप्शन आते हैं शिपिंग के लिए एक आता है कि आप अमेजॉन के वेयर हाउस में भेज सकते हो यहाँ से मटेरियल आप भेज दो अमेजोन के वेयर हाउस में यू में तो जैसे आपको पैसा जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे वैसे अमेजॉन का पर्सन ही पिक पैक करके फुलफिल कर देगा आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है रिटर्न्स भी आएंगे तो भी वही हैंडल करेंगे जैसे इंडिया के अमेजॉन एफ में होता है इज एग्जैक्टली लाइक दैट और उससे बेनिफिट ये होता है कि यू नो कस्टमर्स को एक दिन में दो दिन में डिलीवरी मिल जाती है और वो आपका हेड भी नहीं होता है सो कस्टमर्स जनरली आपका ऑर्डर्स और बाय करेंगे प्रोडक्ट्स और बाय करेंगे क्यों बिकॉज उनको एक या दो दिन में शिपिंग मिल रही है दूसरा ऑप्शन होता है एम एफ एन कॉल मल्टी मर्चेंट फुलफिलमेंट इसका मतलब आप डी एच एल फेड एक्स ऐसी कंपनियों से आप टाइप कर सकते हो जहां पर जैसे आपका ऑर्डर आया आप डी एच एल आपके वहाँ आएगा पिकअप करेगा सिंगल पार्सल और वो उनको डिलीवर करेगा इन एट टू टेन डेज नाउ दिस बोथ आर गुड एंड बोथ हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेज ये है कि अगर आप एमेजॉन एफ बी ए में डालोगे तो आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आएंगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एफ बी ए में डालोगे तो प्राइम मेंबर्स के लिए फ्री शिपिंग है फास्ट डिलीवरी है और कोई भी कस्टमर जनरली टेन डेज नहीं रुकना चाहता है सो वो वन और टू डेज हमेशा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू एट टू टेन डेज नाउ द डिसएडवांटेजेस अगर आपने स्टॉक भेज दिया बहुत सारा और वो नहीं बिका देन देर इज नो वे टू यू नो डिंग इट बैक अगर आपको लेके भी आ जाओगे तो आपकी कस्टमर ड्यूटी और शिपिंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा टू हंड्रेड और आपको टोटल पे करना पड़ेगा फोर हंड्रेड तो दैट इज नॉट सो अब so, आप मैं आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन कि आपको ग्लोबल सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रोज क्या है कॉन्स क्या है इसके एडवांटेजेस मैं बताऊंगा तो बहुत सारे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ग्लोबल ऑडियंस को सर्व कर रहे हो तो यू कैन चार्ज मोर मनी जैसे इंडिया या तो आप बोल सकते हो एशियन uh, मार्केट है दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट अगर आप अब्रॉड में जाओगे पीपल आर रेडी टू पे हायर मनी फॉर बेटर एंड न्यू प्रोडक्ट्स तो आप यहाँ पर ज़्यादा चार्ज कर सकते हो एज कंपेयर टू इंडिया तो मार्जिन आपके काफ़ी स्विफ्ट और काफ़ी अच्छे होते हैं सेकेंड एडवांटेजेज आपका ब्रांड अब लोकल ब्रांड नहीं इट इज बिकमिंग अ ग्लोबल ब्रांड तो इसका एक्सपोजर भी टेन टाइम्स ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस नंबर थ्री आई वुड से इज विद ग्लोबल सेलिंग आल्सो यू कैन सेल इन मल्टीपल कंट्रीज सो आप इंडिया में सिर्फ इंडिया देख रहे हो बट अगर आप अब्रॉड जाओगे विद यू रजिस्ट्रेशन अलोन यू कैन सेल इन थ्री कंट्रीज थ्री पावरफुल कंट्रीज कैनाडा मैक्सिको एंड यू एस सो थ्री कंट्रीज का एक्सपोजर आपको मिलता है सो so अगर आप टोटल करोगे तो यू हैव बेटर ऑडियंस एंड बेटर बाइंग कैपैसिटी एज कंपेयर टू इंडिया ना देर कुड बी कपल ऑफ कॉर्स क्या इसके डिसडवाटेज हो सकते हैं एक हो सकता है कि अगर आपने इन्वेंट्री भेजी और वो नहीं बिकी देन इट इज लाइक अ डेड स्टॉक जीरो अनदर वन दैट कुड बी इज दैट आपका प्रोडक्ट की डिमांड ही वहाँ पे नहीं है और आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया देन इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी थर्ड है आपका प्रोफेशनल चार्जेस लगेंगे 39.99 नाइन डॉलर एवरी मंथ लगेगा आप बेचो या ना बेचो तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कुड एनकाउंटर एंड द बेस्ट पार्ट आई वुड से वाई ग्लोबल सेलिंग इज बेटर देन लोकल सेलिंग इफ यू हैव द राइट प्रोडक्ट एंड बिकॉज द रिटर्न इज ओनली टू परसेंट ये सिर्फ दो परसेंट रिटर्न है यू एस में और इंडिया में अगर आप देखोगे तो एवरेज टेन टू ट्वेल्व रिटर्न है सो रिटर्न so का हिड भी बहुत, बहुत, बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट सो इन माई ओपिनियन मैं ग्लोबल सेलिंग प्रेफर करूँगा एज ओवर लोकल सेलिंग बिकॉज ऑफ द एडवाटेज आई 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 डोंट नो अबाउट यू बट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वॉट इज द राइट फिट फॉर यू कॉमेंट बिलो विच मार्केट आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट ग्लोबल सेलिंग और लोकल सेलिंग